वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ऑफिस बहुत हैक्टिक था, इतना हैक्टिक वीक गुजरा है कि ना पूछे बस हो गई है। दिमाग को सुकून देने के लिए रोड ट्रिप मार रहे हैं और मैं जा रहा हूँ लंदन से लेस्टर। लंदन से लेस्टर जो है ये है तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का सफ़र, 115 माइल जो अप्रॉक्सीमेटली बनता है 240 किलोमीटर। और लेस्टर जो है आप नॉर्थ में है, नियर टू बर्मिंघम एंड नियर टू कवेंट्री। बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत ही कमाल जगह है। बहुत दफ़ा मैं जाता रहता हूँ लेस्टर, उधर उसके सबर्ब्स में निकल जाता हूँ इधर उधर, जिधर जाके मैं बहुत रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा सा सुकून लेता हूँ और उसके बाद फिर वापस आता हूँ, क्योंकि फिर एक्टिव थे काम 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 के बाद थोड़ा सा जिस्म को रेस्ट, दिमाग को सुकून, ये भी ज़रूरी है। तकरीबन हाफ वे कर लिया, जरा गाड़ी में डीजल डाल लें, बेचारी भूखी प्यासी है, में दौड़ी जा रही है, डीजल वगैरह बेचारी को पिलाते हैं थोड़ा सा। इसका भी वजन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, अगर इसका ख्याल ना रखो तो ये मुंह बना लेती है, अगर ये मुंह बना ले ना तो काम बड़ा ख़राब हो जाता है। और अब मसला सबसे बड़ा पता क्या है, ये है कि अब चाबी जो है ना वजन वो गुम गई, अच्छा नहीं मिल गई है, गुम जाती तो फिर मसला हो जाना। ज़रा एक मिनट दें, ज़रा जल्दी से डालते हैं इसमें डीजल, वजन मेहनतें खुद करनी पड़ती हैं। यूके आने का शौक तो हर बंदे को होता है, ऐसे आप उसका ये होल्डर खोलते हैं, ऐसे आप उसका कप खोलते हैं, कप खोल के आप साइड पे रखते हैं, फिर आप जाते हैं यहाँ पे ढूंढते हैं वजन डीजल कौन से वाला है। जो डीजल होता है वो डीजल वाला आप यूं करके निकालते हैं, उसको खींचते हैं, फिर उसमें वापस ले कर आते हैं। और वजन ये ना यूँ आप इसकी बंदी, ये नीचे बंदी होती है उसको दबाते हैं ना, तो फिर डीजल लगना शुरू हो जाता है। मैंने वैसे यूके रह रहा है कि मैंने हिसाब लगाया कि मैं पाकिस्तान जाकर पेट्रोल पम्प पर भी काम कर सकता हूँ, तो मतलब कि जॉब की कमी नहीं है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट वाला तो चक्कर है ही नहीं ना, आप कहेंगे जी अनएम्प्लॉयड ना, जी ना सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे अनएम्प्लॉयड होंगे भैया, अनएम्प्लॉयड हम हो ही नहीं सकते। कमाल किस्म के दो एग्जॉस्ट हैं, उनके किस दिन आपको साउंड चेक कराऊंगा, मज़ा ना आ गया फिर गया। रही सही कसर जो आपको वो बताते हैं, डीजल की इस टाइम जो प्राइस है यूके में, ओए होए होए कमाल नहीं हो जाएगा, जरा डीजल की जरा थोड़ी सी प्राइस जो है ना उसका जरा मुआयना कराते हैं आप, चेक करनी है डीजल की प्राइस चल रही है। अब यहाँ से चेक करते हैं कि क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, ये रही शराबी नहीं रहेगा, इस साइड पर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, मना उल्टा हराम हराम, बिलिंग कर लें फिर आगे का ब्लॉग जो आपको कंटिन्यू कर, बिल चल वजन दे दिया और अब वापस ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और अपने सफ़र का जो है आगाज करते हैं। पाकिस्तान होता है ऐसी बुला, पहुंच गए हैं हम लेस्टर अपनी लोकेशन के ऊपर। अब वो बंदा नीचे आ रहा है, उसने जो है ना वो वाला जो आपको गेट नजर आ रहा है ना सामने, वो वाला गेट उस बंदे ने खोलना, फिर हमारी गाड़ी अंदर जाएगी और अंदर जाके जो है ना बेसमेंट में पार्किंग है, मुझे उस बंदे ने बताया, तो फिर बेसमेंट में हम जाके अपनी पार्किंग लगाएंगे। ओए थका दिया भाई, थकावट इसमें इतनी थकावट नहीं होती, इससे पहले मेरे पास थी SLK मर्सिडीज SLK 250 AMG जो थी 2013 कन्वर्टेबल, उसमें थकावट होती थी बहुत कमाल किस्म की, उसमें असल में लगी हुई थी बकेट सीट्स जो है ना वो लॉन्ग में आपको तबाह कर देती है, ठीक है। शशका था, याशी भी थी, रूफ ड्रॉप आपने ड्रॉप टॉप नीचे छोड़ा हुआ है और आप जा रहे हो सनी वेदर में, वैसे वो गाड़ी समर की गाड़ी है, मैंने पिछले साल समर में बहुत एंजॉय किया, विंटर में बेची है तकरीबन बिल्कुल एंड पे आके, क्योंकि ना लंदन में लग गया था यूएलएस चार्ज, अल्ट्रा लो एमिशन जोन जो है ना उन्होंने लंदन में पूरे लंदन को तकरीबन उन्होंने उसमें कवर कर लिया। और वो जो गाड़ी थी वो मेरी डीजल थी और 2013 थी, वो ना यूरो 6 इंजन नहीं था उसके अंदर, तो वो उसकी जो एमिशन थी वो कंट्रोल नहीं थी, तो अगर मैं वो गाड़ी अपने पास और लंबी रखता तो एवरी डे मुझे उसको लंदन में चलाने के लिए ना 14 पाउंड का या 12 के 14 पाउंड का जो है ना
पर डे उसके ऊपर वो टैक्स देना पड़ना था, तो इसलिए फिर मैंने वो बेची और फिर मैंने ये ली। ये है 2014, ये भी डीजल है BMW, लेकिन ये यूरो 6 है, तो इस पे मुझे वो यूलेस नहीं लगता, लेकिन वो कमाल किस्म की गाड़ी थी। सिर्फ उसका एक ड्रॉबैक ये था कि आप उसको लंबे रूट पे नहीं लेके जा सकते थे। लंबे पे आप जाओ, क्योंकि मैं एक दफा उस पे गया हूँ, दो एक दफा तो नहीं, तीन चार दफा मैं उसमें स्कॉटलैंड भी गया हूँ। वो जो है ना, आपको 5-6 घंटे बाद बस आपकी बस हो जाती थी, उसके बाद आपको 2-2 घंटे की ब्रेक लेनी पड़ती थी, बाहर निकलना पड़ता था, उसके बाद ही आप आगे का सफर कैरी ऑन कर सकते थे। भाई जान ये बंदे की मुझे नहीं उम्मीद इस बंदे ने इतनी जल्दी आना है, मुझे पिछले 5 मिनट से इसने यहाँ पे खड़ा किया हुआ। ओहो, अच्छा खैर बातों की बातें, हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो वो गाड़ी का मजा जो था ना, वो एक तरह की बड़ी मैग्नेट किस्म की गाड़ी थी। हाँ भाई जान, उड़ती थी, प्लस जो था मैंने उसको कराया हुआ था Stage 2 Remap। Stage 1 होता है कि वो सिंपली जो है ना कंप्यूटर लगा के उसको आगे पीछे थोड़ा सा कर देते। Stage 2 में आपको टर्बो अपग्रेड करना पड़ता है, इंटरकूलर अपग्रेड करना पड़ता है। Stage 2 Remap थी वो गाड़ी, और वो गाड़ी जो है ना छोटी सी, मतलब कि ऑब्वियसली पीछे से उसके मतलब 2 सीटर है, तो इतना लंबा पीछे नहीं था बैक उसकी। वो जो मारती थी ना व्हील स्पिन, किसी भी जाके मार्क एक्स तो भूल जाओ, मार्क एक्स वैसा व्हील स्पिन मार ही नहीं सकती जैसा वो मारती थी। अगर Stage 2 Remapped है, अगर अपनी स्टॉक पे है तो मुझे नहीं पता, स्टॉक पे मैंने उसको इतना एंजॉय नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त मैंने लिया लेते साथ ही मैंने उसको Stage 1 करवा दिया 2-3 दिन बाद, और उसके बाद फिर मैंने उसको कोई ना महीने तक मैंने Stage 2 करवा लिया था। तो वो जो Stage 2 पे वो जो डोनट मारती थी ना, ओए हो, ये भी मारती है, लेकिन इसका मसला ये उस तरह का नहीं मारती, वो तो ऐसे ना हवा में ऐसे स्लिप होती, जब पता चलता था गाड़ी जैसे पानी पे नहीं चल रही वैसे वो निकलती थी, ये थोड़ा सा यूं निकलती है, उसके बाद पता नहीं इसकी ट्रैक्शन ऑफ भी कर दो कुछ भी कर दो पता नहीं ना टू होती है, उसके बाद दोबारा जो है ना ग्रिप पकड़ जाती है, वो ग्रिप इतनी जल्दी नहीं पकड़ती, तो पहले एक दफा पूरा जाने देती थी अपने मोशन में, उसके बाद ग्रिप पकड़ती थी। इस गाड़ी में वो चीज नहीं, मुझे अभी तक नहीं नजर आई, या फिर मैंने अभी तक उस तरह इसकी मारी नहीं है। ट्राई मैंने बड़ी दफा की है, वो ट्रैक्शन ऑफ करके भी किया, ऑन करके तो बिल्कुल भी नहीं लगती, बिल्कुल हल्की सी होती है, ऑफ करके किया थोड़ा सा यूं घूमती है, और साथ ही ना टू होती है इसके अंदर, पता नहीं क्या टू किस चीज की है, अगर किसी को पता तो यार मुझे बता दो। वो टू करके ना अपना वो कर देती है। भाई जान ये देखें, बंदा आ गया, उसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। ये है भाई जान इस बिल्डिंग की बेसमेंट अंडरग्राउंड पार्किंग, जिसके बारे में भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। ये तो अरसा दराज से कोई ना मुद्दत से गाड़ी खड़ी हुई है, इस बंदे को अपनी गाड़ी से प्यार ही नहीं है जितनी ये गंदी खड़ी की हुई है। ऐसी गाड़ी और मैं ना, अभी ना सवाल ही नहीं पैदा होता। जुल्म ना किया करो भाई जान, गाड़ी पे रखनी है, प्यार से रखें। भाई बताया गया जी 1115 में लगानी है, 1115 जो है वो हमारे बिल्कुल पीछे है, तो ज़रा गाड़ी उसमें एक दफ़ा पार्क कर लें, उसके बाद जरा आपको इसका रेव काउंट भी सुनाते हैं। मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया हुआ, बिल्कुल मुझे, मैंने पहले सोचा था कि इसको स्ट्रेट पाइप डाउन पाइप करवा लूँ, लेकिन डीजल है तो जिस बंदे के पास मैं गया था करवाने के लिए उसने मुझे मना कर दिया, उसने कहा कि ना करवाओ, इसलिए ना करवाओ कि ये जो है ना डीजल का फका धुआं जो है ना काला मारेगी तो फिर बहुत बुरी लगेगी, कहीं पे भी तुम गाड़ी जो है रेव करोगे ना उठाने के लिए स्पीड में भी पीछे से धुआं मारेगी काले रंग का, जिसका वो कह रहा था कोई फायदा नहीं, बड़ी बुरी लगती जैसे रिंग पिस्टन फारे गए हुए गाड़ी के, तो इसलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका रेव। बस इतना सा रेव करती है, लेकिन मजा देती है, इतना रेव भी जो है ना शोर के हिसाब से कमाल किस्म का, अपनी तरफ से अपनी लीक की गाड़ी में ना कमाल कर देती है। इसी नोट पे आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। लेस्टर पहुंच गया हूँ मैं, अपना सामान सामान निकालते हैं और निकलते हैं, बाकी ब्लॉग जी कंटिन्यू करेंगे कल आपको जरा लेस्टर का देंगे थोड़ा सा टूअर शूअर, कल निकलेंगे घूमें शूमेंगे यशी करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, बस हो गई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अल्लाह ने गवाह।